छोटा साइज का है दोस्तों, लेकिन मस्त है। और भैया लोग का बहुत धन्यवाद है क्योंकि इसको बचा है, थक चुका है ये पूरी रूप से। पूर्ण रूप से थका हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी ओरिया है ना, ये बहरी हम लोग आए हुए हैं और ये भैया लोग के द्वारा कॉल किया गया था और इनका यहाँ बाड़ी है घर के बगल में। आप देख सकते हैं कि इन लोग, एक कोबरा है यहाँ पे और इन लोग सुरक्षा भी अच्छा किए हुए हैं कि उसको किसी तरह से ऊपर करके रखे हुए हैं। छोटा साइज का है दोस्तों, लेकिन मस्त है। और भैया लोग का बहुत धन्यवाद है क्योंकि इसको बचाने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका इन लोग निभाए थे और हर जीव जंतु को इसी तरह से बचाना है दोस्तों। कुआं भी बहुत बड़ा साइज का है, लोग इधर बोलते हैं तो गोहमन जी, गेहुआन भी बोला जाता है, नाग भी बोला जाता है, हर जगह भारत में बहुत नामों से जाना जाता है इसको। देखिए इसमें एक नियम होता है कि लोग बोलते थे कि बीन से स्नैक नाचता है, लेकिन आप लोग खुद देख सकते हैं कि जिधर जिधर घूम रहे हैं उधर ये खुद आपका मोमेंट कर रहा है। लोग का जो है ना, यही देख के लोग एक ही होता है, अट्रैक्ट होता है उधर ही उधर अपना। इधर दोस्तों इसको गेहुआन के भी नाम से लोग जानता है और अभी बरसात का मौसम आ चुका है, इधर मानसून आ चुका है हजारीबाग में। लगता है थोड़ा ही थक चुका है, कल से ही पानी में थक चुका है, एक महीना से पानी में। बताइए तो आप लोग को नजर नहीं पड़ा था? हम लोग सब पंधमना सांप है, एक चूहा गिरा है कुआं में, एक ठो नहीं तो चूहा के ही कारण गिरा है, वो पकड़ने के चक्कर में चूहा अभी है नीचे है, मर गया है, नहीं जिंदे है, उसको भी बचाइए भैया। कैसे निकाले, वो निकलबे नहीं कर रहा है, ये वाला डाल दीजिए ना, उसी में चढ़ जाएगा, वो भी एक जीव है, उसको भी बचाना, मार कहा इसको, हर जीव जंतु को बचाना है। नहीं है, नहीं ये वाला जो है ना, कोशिश करें इसको डाल के छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए, डाल के फोटो ये फोटो ये सलीम जो मेन है पूरा नीचा ऊंचा रहता, थोड़ा तो नहीं गिरता जीव, भी देखिए तो मोमेंट नहीं है जीव में, मोमेंट नहीं है है जी, थोड़ा सा निकाल है, थक चुका है ये पूरी रूप से। अभी तो ऐसा एक बार हुआ था क्या, एक बाथरूम है, देख रहा है, बाथरूम का टंकी में गिर गया था, ऐसे लगभग 15-20 साल पहले एक बाथरूम का टंकी में गिर गया था चानों में, तो उसको दूध पिला रहा था टंकी में, नहीं नहीं कोई भी सांप दूध नहीं पीता है, नहीं पिलाना विश्वास है, क्योंकि ये गलती से भी पी लेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी 8 से 10 दिनों में, मर जाएगा लोग। चलिए और अगर दूध पिलाने का सोचते हैं तो हम लोग के लिए दूध रख दीजिएगा, हम लोग पी लेंगे लेकिन इन लोग को नहीं पी, इन लोग का नहीं है, मुख्य आहार भोजन है चूहा मेंढक। अभी सुरक्षित पर्यावरण में जाएगा, आप लोग को भी कभी किसी को नजर भी नहीं आएगा और अपना पूरा जीवन जिएगा।
इसी लेना है, हम लोग सोचे कि जब क्या मार दे। नहीं मारना तो नहीं है भैया, कभी भी हर जीव जंतु को बचाइए। और आप लोग जो है ना, जैसे बाड़ी आप उपजा रहे हैं ना, तो कभी भी घुसते हैं तो साड़ी को खोस के नहीं घुसना है, साड़ी को नीचे करके घुसना है ताकि आपका पैर ना दिखे, ताकि आपका पैर ना दिखे, समझ गए? पूरा थक गया है, पूर्ण रूप से थका हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये एकदम से थक चुका है, और एक तो ये भूखा है, खाए पिए घर का नहीं लग रहा है अभी ये। बोला भी थोड़ा बोलिए कि आप ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा, मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं, वो पकड़ने का कोशिश नहीं। नहीं नहीं, बहुत वीडियो में हम लोग बोल चुके हैं कि हम लोग के जैसा नकल ना करें, ये तो हम लोग हर समय बोलते ही हैं। आपके साथ खींचे थे इनका, ये रहेगा, सेव कर देंगे आपका नंबर। चलिए देख ली ना, ये तो देखे ना, देखिए मुड़ला उन्हें खापा तो नहीं क्या, ये तो मुझे नहीं दिखा, देखे माथा उसको डालिए, माथा से चलो उठाओ छोड़िए। आपका क्या नाम हो गया भैया? एम गोपाल आपके नाम से लोग जानता है।